हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। सो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हो या फिर आपने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है और हायर एजुकेशन माइक्रोबायोलॉजी में लेने के बाद या फिर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और उसके बाद पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद हमें या फिर हमारा जो एक इम्पोर्टेंट एम रहता है एंड दैट वॉज और दैट विल बी टू गेट अ प्रॉपर और गुड जॉब इन इंडस्ट्रीज, इन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इन टीचिंग फील्ड। और हमें ये भी मालूम होता है कि चलो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या फिर पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद इस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्रीज हो, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज हो, इन इट मे बी मिनरल वाटर इंडस्ट्रीज और डिफरेंट इंडस्ट्रीज हियर, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज आर देयर, देन लैब टेक्नीशियंस आर देयर, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर देयर एंड मेनी स्टूडेंट्स दे विल अप्लाई और दे अप्लाई फॉर जॉब्स और टू गेट अ जॉब इन सच इंस्टीट्यूट्स। और इसके अलावा एक और जॉब अपॉर्चुनिटीज है, अगर आपने बीएससी या फिर एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में किया है और उसके बाद पीएचडी भी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में किया है तो आप थोड़ा सा ये जो रूटीन पाथ है ये चेंज करके आप थोड़ा सा अलग पाथ में जाके जॉब कर सकते हो और वो है मेडिकल कॉलेजेस में। बिकॉज दैट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया व्हाट दे डिसाइडेड दैट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर टीचर्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस regulations 1998 and amended up to 8 June 2017। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो टीचर्स के लिए मेडिकल कॉलेजेस में टीचर्स को नौकरी देने के लिए या फिर मतलब जॉब देने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए, वो इन्होंने इस पूरे नियर अबाउट 401 पेजेस यहाँ पे है इस बुक में दिए है। इनके जो ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो गैजेट में पब्लिश हुआ है इसमें उन्होंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस चाहिए अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में एज अ टीचर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर अगर आप जॉब करना चाहते हो तो। सो टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग और गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दी दैट कैन पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन मेडिकल कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर करके जॉब करना है एंड यू हैव सिक्योर योर पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी तो आप कर सकते हो या नहीं, या फिर आपकी ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है क्या अगर आप मेडिकल कॉलेज में जॉब करना चाहते हो तो। सो हियर आई एम गिविंग द आंसर और आई एम जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट हियर। सो in this case just I will show the minimum qualification for teachers in medical colleges. So I will jump directly on that particular page here and there we will see about the minimum qualifications for teachers for or in medical colleges. So here see, this is the minimum qualification required for candidates to appointed as a teacher or assistant professor or professor in medical colleges. So this is the subject here, microbiology, and if you are appointing as a professor then the essential qualification or minimum qualification is here MD microbacteriology, that is doctor of medicine in bacteriology or here doctor of medicine in microbiology or MBBS with MSc medical bacteriology or MSc medical bacteriology. So this is the minimum qualification here, MSc medical microbiology or PhD medical bacteriology or वहाँ पे और दिया है उन्होंने MSc medical bacteriology with PhD medical bacteriology or MSc medical bacteriology with DSc medical bacteriology or again they have given that options here or so this includes MSc medical microbiology with PhD in medical microbiology, MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी विथ DSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर
पर्टिकुलर कैंडिडेट को प्रोफेसर करके ज्वाइन करना है मेडिकल कॉलेजेस में, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए और ये इसेंशियल, यहाँ पे भी एज अ रीडर उन्होंने काम करना चाहिए, एज अ रीडर एसोसिएट प्रोफेसर इन माइक्रोबायोलॉजी फॉर 4 ईयर्स इन अ रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज, और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ईयर। लेकिन हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग दी असिस्टेंट प्रोफेसर। सो हियर इफ यू सी द रिक्वायरमेंट, सी दिस इज रीडर और एसोसिएट प्रोफेसर, एंड देन लेटर ऑन देर इज अनदर पोस्ट इज हियर एंड दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर। सो हियर द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज डू, डू मीन्स हियर उन्होंने ऊपर जो क्वालिफिकेशन दिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, सो दैट क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट इफ दे वॉन्ट टू ज्वाइन एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिकल माइक्रो इन मेडिकल कॉलेजेस। अगर उनको मेडिकल कॉलेजेस में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर करके ज्वाइन होना है तो उनको ये मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्हें एक्वायर करनी होगी ड्यूरिंग देयर स्टडी। तो यहाँ पे जो मेडिकल कैंडिडेट्स हैं, मेडिकल फील्ड से जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो ये मेडिकल क्वालिफिकेशन होने चाहिए, एमडी बैक्टीरियोलॉजी, एमडी माइक्रोबायोलॉजी या फिर एमबीबीएस विथ एमएससी मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी। लेकिन जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स है, मतलब जो एमएससी अगर उन्होंने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में किया है और उसके बाद पीएचडी भी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में किया है, तो ये जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स है दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिकल कॉलेजेस। तो वो मेडिकल कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया है सीयर एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी विथ पीएचडी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मतलब आपका ग्रेजुएशन होने के बाद, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी आपने करने के बाद, आपको इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडमिशन टू जनरल दैट इज सो एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद पीएचडी भी आपको करना पड़ेगा और वो पीएचडी भी आपको मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में करनी पड़ेगी। देन इफ यू आर हैविंग दिस क्वालिफिकेशन दैट इज एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड पीएचडी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन मेडिकल कॉलेजेस और इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। सो दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन मेडिकल कॉलेजेस। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो मिनिमम अनदर क्वालिफिकेशन उन्होंने दी है, सो हियर देयर इज अ दे हैव रिटन एज अ डू, एज अ डू मींस हियर एज ऊपर जो उन्होंने रिक्वायरमेंट या फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन दी है लाइक दैट, सो हियर तो वो क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स में होने चाहिए और उसके बाद, सो दिस इज द असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सो दिस इज रिक्विजाइट रिकॉग्नाइज पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन द सब्जेक्ट, तो ये ऊपर की जो रिक्वायरमेंट दी है वो चाहिए, और लेटर ऑन दे मस्ट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन मेडिकल कॉलेजेस, 3 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ ट्यूटर और एज अ रजिस्ट्रार, एंड फॉर दैट द क्वालिफिकेशन सी एज अ ट्यूटर, एज अ डेमोन्स्ट्रेटर और एज अ रेसिडेंट और रजिस्ट्रार, तो ये क्वालिफिकेशन उनमें होनी चाहिए। और फॉर दैट जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी फॉर दैट इज फॉर नॉन मेडिकल पर्सन, मतलब अगर आप एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो तो इमिडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी यू कैन अप्लाई फॉर ट्यूटर, फॉर डेमोन्स्ट्रेटर और फॉर रेसिडेंट और रजिस्ट्रार इन मेडिकल कॉलेजेस। और ये 3 साल आपने आपने कंप्लीट करने के बाद अगर आपने पीएचडी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी किया, नाउ यू विल बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन मेडिकल कॉलेजेस। तो ये एक नया पाथ है आपके पास, या रूट है या स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, लेकिन आपने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी होने के बाद आपका एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए और उसके बाद आपकी पीएचडी भी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में होनी चाहिए और आपके पास 3 ईयर्स का ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर और एज अ रेसिडेंट और रजिस्ट्रार का एक्सपीरियंस मेडिकल कॉलेज का होना चाहिए, देन यू विल बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। सो हियर दिस मीन्स दैट एमडी माइक्रोबायोलॉजी और एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड पीएचडी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इट इज इक्विवेलेंट टू एमडी माइक्रोबायोलॉजी। सो एमडी
करके माइक्रोबायोलॉजी में एमडी करके अगर वो कैंडिडेट मेडिकल कॉलेजेस में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर करके ज्वाइन हो रहा है, तो इफ और दो यू आर फ्रॉम नॉन मेडिकल फील्ड, अगर आप नॉन मेडिकल फील्ड से हैं तो भी आप मेडिकल कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर करके जॉब कर सकते हो, लेकिन आपके पास पीएचडी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और उसके बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए एज अ ट्यूटर, एज अ डेमोन्स्ट्रेटर और एज अ रेसिडेंट और एज अ रजिस्ट्रार, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो स्टूडेंट्स ये पूरा वीडियो आप देखिए, एंड अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते फॉर मोर वीडियोस एंड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।